हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डेटा पैटर्न के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, और अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है तो क्या आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो यानी कि अराउंड 36 ईयर्स इस कंपनी को चालू हुए हो चुके हैं। देखिए, ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर ये कंपनी है, यानी कि जो डिफेंस और एरोस्पेस में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन चाहिए होते हैं वो सॉल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए, अगर हम कंपनी के मेन काम को अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिजाइन, यानी कि जो हार्डवेयर डिजाइनिंग का जो भी काम होता है, उसके अलावा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का काम हो गया, फिर फर्मवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड मैकेनिकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पूरा जो भी डिजाइन से रिलेटेड यहाँ पे काम होता है, चाहे सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, फर्मवेयर हो गया, यहाँ पे सारे डिजाइन से रिलेटेड यहाँ पे कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो कंपनी की जो टोटल फैक्ट्री की साइज है वो 1 लाख स्क्वायर फीट की है, यानी कि इतने एरिया में इनकी फैक्ट्री बनी हुई है। और ये अगर हम टोटल लैंड की अगर हम बात करेंगे तो 5.75 एकर्स ऑफ लैंड पे ये उनकी फैक्ट्री बनी हुई है। और कहाँ पर है ये फैक्ट्री, उनकी चेन्नई में है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी डिजाइन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी काम होता है वो उनकी यहाँ पे फैक्ट्री पे होता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे 2.81 एकर्स का और यहाँ पर लैंड लेना चाह रही है, मतलब एक्वायर करने वाली है, जिससे उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो वहाँ पे और बढ़ जाएगी। तो अगर उनकी सर्विसेज और बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि आने वाले टाइम पे रेवेन्यू ग्रोथ भी हमें अच्छा देखने को मिलेगा। अगर हम अभी करंटली एम्प्लॉयज की बात करेंगे तो अभी करंटली कंपनी के पास 760 एम्प्लॉयज हैं, जिसमें से अगर हम देखेंगे 450 कंपनी के क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं। तो देखा जाए तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये कंपनी हमें अच्छी नज़र आती है। अब देखिए, अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ये कंपनी प्रोवाइडर है, जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर एक जो बेस्ट चीज मुझे यहाँ पे नजर आई है वो ये है कि मेक इन इंडिया अपॉर्चुनिटी। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे जो चाइना की वजह से जो इश्यूज क्रिएट हुए हैं, तो वहाँ पे जो मेक इन इंडिया के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का फोकस है, तो वहाँ पे इस कंपनी के लिए बहुत बढ़िया आने वाले टाइम पे अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि उसके बाद लगातार अगर हम देखेंगे इनका जो ऑर्डर फ्लो है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनोवेशन फोकस बिजनेस मॉडल, तो ये देखिए लगातार यहाँ पे इनोवेशन के ऊपर कंपनी फोकस करती है। और देखिए, अगर आप कुछ नया क्रिएट करोगे तो दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन पे आपको थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा मिलेगा और एट दी एंड आपके जो मार्जिन होंगे वो इम्प्रूव हो जाएंगे। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो देखिए, इनकी जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी अच्छी है, लगातार इनको कंटिन्यूसली ऑर्डर मिल रहे हैं, और मेन तो इनके इंडियन कस्टमर्स ही, आउट ऑफ इंडिया के इनके कस्टमर्स नहीं हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लगातार ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, उसे कंपनी फॉलो करती है। और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है पिछले कुछ सालों से लगातार अच्छे तरीके से बढ़ रही है, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी हमें कोई भी इश्यूज नज़र नहीं आते हैं। अब यहाँ पर ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है। देखिए, जो कंपनी का जो डेट है उसका या तो पार्शियल पेमेंट कंपनी करेगी या पूरे ही डेट यहाँ पे कंपनी क्लियर करने वाली है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसे कंपनी फुलफिल करना चाहती है। और उसके अलावा जो कंपनी की जो एग्जिस्टिंग जो चेन्नई में जो फैसिलिटी है उसको और एक्सपांड वहाँ पे कंपनी करना चाहती है, तो इसके लिए कंपनी ये आईपीओ लेकर आ रही है। तो ये देखिए, अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की बात करेंगे तो पिछले 3 साल से जो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का रहा है ये काफ़ी फिनोमिनल रहा है। अगर हम देखेंगे तो देखिए, 7 करोड़ के प्रॉफिट से सीधा 21 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे 54 करोड़ का। देखिए, 2021 वाला एक कोविड ईयर था, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स में हमें कोई भी इश्यूज होते हुए नज़र नहीं आए, और लगभग 24% का भी करंटली नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का है। तो देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। और देखिए, मेन बात ये भी कि ऑन डेट कंपनी के ऊपर सिर्फ 52 करोड़ का डेट है। देखिए, अगर 200 करोड़ से ज़्यादा का अगर आपका रेवेन्यू है तो 52 करोड़ के डेट के ऊपर कंपनी को कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। अब देखिए, ये आईपीओ 14 तारीख को ओपन होगा और 16 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर हम आईपीओ प्राइस की बात करेंगे तो 585 का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है और 25 शेयर्स का यहाँ पे लॉट है। अगर इश्यू साइज की बात करेंगे तो 588 करोड़ का ये इश्यू साइज है, जिसमें से 240 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इश्यू, यानी कि ये जो पैसा ये कंपनी के पास जाएगा।
और देखिए 240 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इश्यू और लगभग 50 करोड़ का कंपनी का डेट है। अगर कंपनी डेट को क्लियर कर देती है आने वाले टाइम पे जो इंटरेस्ट पेमेंट में जो कंपनी का पैसा जा रहा था वो एडीएन कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें आता हुआ नजर आएगा। अगर ऑफर फॉर सेल की बात करेंगे तो ये नंबर आता है 348 करोड़ पे, तो ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा। अगर रिटेल कोटा की बात करेंगे तो 35% का यहाँ पे रिटेल कोटा है, यानी कि अराउंड अगर हम देखेंगे तो 210 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। तो देखिए अगर हम अलॉटमेंट की बात करेंगे तो 21 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 22 को आपको रिफंड मिल जाएगा और 23 तारीख को आपके डिमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो, और 24 दिसंबर को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब देखिए मिनिमम एक लॉट में अप्लाई करने के लिए 14,625 रुपीज लगेंगे और मैक्सिमम 13 लॉट आप रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए 1,90,125 रुपीज लगेंगे। अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी है तो आप HNI कोटा में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब एडीएन हम यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करते हैं तो देखिए अभी 2021 के नंबर से यहाँ पे 11.89 का कंपनी का EPS आता है, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 50 के पी रेशियो पे ये कंपनी का जो कट ऑफ प्राइस है उसके हिसाब से 50 का पी रेशियो कंपनी का निकल कर आता है। देखिए जो कंपनी के फंडामेंटल से उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे और जो मार्केट में अबंडेंट लिक्विडिटी अवेलेबल है तो उसके हिसाब से ये जो 50 का पी रेशियो है मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है, क्योंकि कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स भी अगर हम देखेंगे 26% है और ROCE का जो नंबर है ये भी 34% है। अगर हम देखेंगे तो रिटर्न रेशियो कंपनी के काफ़ी अच्छे हमें नजर आते हैं। और देखिए भले ही यहाँ पे 0.16 का डेट टू इक्विटी का नंबर है, ये जो डेट टू इक्विटी का नंबर है ये भी मेरे ख्याल से देखा जाए जो अभी कंपनी जो फंड रेज कर रही है इससे ये पूरा डेट क्लियर कर देगी और एट दी एंड कंपनी हमें डेट फ्री होती हुई नजर आएगी। और नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर है 44 पे, तो यानी कि अराउंड 12 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ये कंपनी का IPO आ रहा है। तो देखिए ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अब अगर हम बात करेंगे लिस्टिंग गेन की, यानी कि कितना लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे मिल सकता है, देखिए अभी करंटली बहुत सारे IPO जा रहे हैं, मेट्रो ब्रांच का भी IPO, फिर HP एडिसिव का भी IPO और मेड प्लस का भी IPO, तो उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ 100% की लिस्टिंग गेन मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि 30-40% के लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो अगर देखेंगे 30-40% के लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफेंस के अंदर गवर्नमेंट का फोकस हमें नजर आ रहा है तो आने वाले टाइम पे ये जो इनोवेशन के ऊपर ये जो कंपनी फोकस कर रही है तो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि 3-4 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कंपनी काफ़ी अच्छी नजर आती है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने तो मेरे ख्याल से जरूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि डेटा पैटर्न के पूरे IPO के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।